सलाह के लिए तीन चीजें ऐसी हैं कि हर मोमिन की ख्वाहिश है कि अल्लाह सुबहाना ताला उसको ये तौफीक अता फरमाए इन तीनों चीजों को हासिल कर सके। बातिनी दराजात, रूहानी तरक्की और इंसान की सलाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए अब हम मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, अमाल भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं, पहल अपनी अपनी ताकत के मुताबिक हर आदमी कोशिश करता है। अल्लाह सुबहान तआला ने वो तो मालिक है, खालिक है, कादिर है, उसने पैदा हमें इन तीन चीज़ों के लिए कहा है और किया है, मकसद इंसानियत भी यही है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका इंतज़ाम भी बहुत खूबसूरत किया है। ये तीनों चीज़ें जो मैंने अर्ज़ की आपसे, इन तीन चीज़ों को हासिल करने के लिए एक अमल अल्लाह ने ऐसा दिया है कि जिसके हम सर बराबर शायद ही कोई अमल हो, यानी यह अमल इतना बड़ा अमल है कि इसके मुकाबले में दूसरा अमल नहीं है। इन चीज़ों को हासिल करने उस अमल के ज़रिए से इंसान की रूहानी तरक्की भी हो जाती है, बातें दराजात भी बुलंद होते हैं और उसकी असलाह भी हो जाती है। अमल क्या है? अमल ये है रात का जागना, रात की इबादत, रात की नमाज। ये एक ऐसा अमल है कि इस अमल के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान के अंदर तारीफें बयान फरमाई है, बल्कि सूरह मुज़म्मल जो नाजिल हुई है वो इसी की तारीफ करती है रात को जागने की। वही रात की नमाज है, इसको क़यामुल लैल भी कहते हैं, तहज्जुद भी कहते हैं और रात की नमाज भी कहते हैं। इसमें हम लोग दिन में तो बहुत मेहनत कर लेते हैं, नवाफिल भी पढ़ते हैं और जाने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ताकत के मुताबिक हर आदमी कोशिश करता है, लेकिन जो अल्लाह ने रास्ता बताया है उससे क्यों दूर है आदमी?
लला स्वानादान ने एक रास्ता बताया है कि जिसमें 100% इंसान ये तीनों चीज़ें हासिल कर लेता है, वो है रात की नमाज, इसको तहज्जुद कहते हैं। इतनी बड़ी नमाज है ये कि अल्लाह सुभान तआला ने जिस वक्त में नमाज को रखा है उसमें इतनी बरकतें हैं, इतनी तासीर है उसमें, इतनी रहमतें हैं और इतनी खसूसी तवज्जो अल्लाह ताला की कि किसी वक्त में दिन में नहीं है इतनी ज़्यादा। एक प्यासा हो, एक चाहने वाला हो, उसको ऐसी चीज़ पता चल जाए तो वो छोड़ेगा इस चीज़ को, पता है। तो हमारे तो ये मामला ये है कि आम आदमी ने किया, जो हम जैसे जिक्र अस्कार करने वाले, मेहनत करने वाले, अपने आप को अल्लाह वाले कहने वाले, सूफी कहने वाले, वही डंडी मार जाते हैं रात की नमाज में। क्या बहाना, जी काम बड़ा सख्त कर रहे हैं, जिस स्पॉट के जाना है। लेकिन अल्लाह पाक ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है, जिसमें वो चीज़ें रखी हैं, वो कभी मुश्किल हो ही नहीं सकती, वो कभी मुश्किल हो ही नहीं सकती। हसन बसरी से किसी ने पूछा कि हज़रत कोशिश बहुत करता हूँ कि सुबह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँ, पढ़ा नहीं जाता। ये हमारा एक मर्ज़ा है ना, ये हमारा मसला यही है। ये सब बहाने हैं कि मेरा ये काम शुरू हो जाएगा, मेरा तो फला काम हो गया। अल्लाह ताला कभी तकलीफ़ ही नहीं देता इंसान को। उसको पता है हमें किस चीज़ से रिज़्क कमाना है, क्या पेशा हमने अख्तियार करना है, उस पेशे को आदमी अख्तियार कर लेता है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने औकात रखे हैं जिस इबादत के लिए, और जो इनामात रखे हैं, जो फजीलत रखी है, तो डेफिनेटली इंसान उसको कर सकता है। ये हो ही नहीं सकता ना मुमकिन अल्लाह ऐसी काम हमें दे दे। अब इतनी बड़ी चीज़ रूहानी तरक्की इंसान की है, बातनी दराजात उसमें हैं, असलाह इसके अंदर इंसान की होती है। इतनी बड़ी चीज़ को अल्लाह मुश्किल बनाएगा हमारे लिए? मुझे पता है मुश्किल होगी हमारे लिए। क्या वजह है इसकी? देखें इसकी वजह क्या है। हसन बसरी कितने बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनसे किसने कहा जैसे मैं तो नमाज पढ़ना चाहता हूँ, बड़े शौक मुझे बहुत है। जैसे मैं एक बुजुर्ग की मिसाल दे रहा हूँ, हर बुजुर्ग को यही अंदाज है, अल्लाह को यही अंदाज है। कहने की क्या बात है? कहते जी नमाज तो पढ़ना चाहता हूँ बहुत, इसकी फजीलत बहुत है, इसमें यह है फला है, तो पढ़ी नहीं जाती जी, आँख नहीं खुलती, या पता नहीं कमज़ोरी बड़ी है जी, तो हम पढ़ सकते ही है वो किया। उसने उसकी वजह मैं तुझे बताता हूँ। देखने कितनी बड़ी वजह बताइए कि दिन के गुनाह तू छोड़ दे, रात को तुझे अल्लाह जगाएगा। दिन के वजह तो गुनाह करता है ना, आँखों से गुनाह करता है, जबान से गुनाह करता है, गुस्सा करता है, गीबत करता है, चुगलियाँ करता है, धोखाबाजी करता है। दिन के ये गुनाह तू छोड़ दे, अल्लाह गारंटी देता है सुबह उठाना मेरा काम है तुझे। तो पता चलता है कि ये इबादत जो है ये बर्बाद हो जाती है किस चीज़ से, इंसान के गुनाहों से हो जाती है। और जो सारा दिन गलत काम करेगा या गुनाहों से बचने की कोशिश भी नहीं करेगा, तो उसकी यहाँ कैसे इतना बड़ा दर्जा अल्लाह ताला उसको कैसे दे देगा? मुझते हैं कैसे दे सकते हैं? वो तो सजा में है, वो तो सजा में है ना। सब फिर क्या करूँ मैं? तो बड़ा आसान तरीका है कि कम से कम इतना कर लिया कर कि सोने से 15 मिनट पहले इस्तग़फ़ारी कर लिया कर। तू कि अल्लाह ताला गलती हो गई आज, मैंने बहुत गुनाह कर दिए, कम से कम अल्लाह के सामने तू पेश को अपने हालात तो पेश करके कि मैं वाकई गुनाहगार हूँ या मुझ में ये कमी है। लेकिन नफ्स हमें वो भी नहीं करने देता, वो भी नहीं करने देता, वो भी दिलासा देता है, नहीं नहीं तू तो ऐसा नहीं है यार, ये छोटी सी बात से थोड़ा ऐसा हो सकता है, ये वजह कुछ और है, बस ये करना बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़े लोगों का काम है या अल्लाह वालों का काम है यार, हम कहाँ कर सकते हैं काम। मैं आपको सहाबा की मिसाल देता हूँ कि अल्लाह नबी पाक ने इसको फ़र्ज नहीं किया, वाजिब नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके उनको पता था कि कितनी बड़ी चीज़ है ये। आप सहाबा कराम को तरगीब फरमाते थे कि नमाज पढ़ो, रात की नमाज नहीं छोड़नी है, तरगीब फरमाते। अब कितने बड़े सहाबी हैं, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला कितने बड़े सहाबी हैं, कितने दर्जे हैं उनके, मुझे बताए। हर सहाबी का दर्जा तो खैर आप सोच नहीं सकते कितना। तो एक ख्वाब देखा, आप देखा कि फरिश्ते हैं, उन्होंने
जो रस्सी आसमान से नीचे फेंकी है, वो कह रहे हैं इस रस्सी के जरिए तो ऊपर चढ़ता हो। तो अक्सर असहाबा किराम का यह मामूल था कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब की ताबीर फरमाया पूछा करते थे। तो कहता है पीछे बैठ के देखता था, चलिए ख्वाब देख ताबीर पूछते हैं, तो मेरा दिल ही करता था कि मुझे भी कोई ख्वाब नजर आए, मैं भी नबी पाक से इसकी ताबीर पूछूं। जी मोहब्बत के अंदाज देखेंगे अपने शेख के करीब हो जाओ और ज्यादा वो तो बहाने ढूंढते थे ना कि चलो ये बात पूछने की निकल आई है, ये बात पूछनी है, बस बहाना बन गया मिलने का। क्यों है भाई सब मुझसे मैंने ये बात पूछनी थी आपसे, मतलब कुछ का बीच में और है, मतलब ये कि करीब जाऊँ ये मोहब्बत करने वालों से पूछिए। आशिक माशूक का जो रिश्ता है ना बड़ा अजीब होता है, बहाने मार के गुना शुना कुछ नहीं करा, बड़े गुना हो रहे हैं हजरत बस कर दुआ मैं सोचा आपके पास जाऊँ कुछ ये कर रहा हूँ। मजा क्या आती है हकीकत में, एक पास जाऊँ कुछ नज़दीक बैठूँ कुछ ठंडी हवाएं लूँ अपने शेख की तो रहमतें समेटूँ, कोई बहुत कोई बहाने नहीं बन रहा मेरे नज़दीक आने का, आप भी नहीं सकता। तो वो पीछे बैठ के कौन सोचते, यही सब तसव्वुफ है, इसी का तसव्वुफ है। जिसका दिल ही ना करे शेख कह मुझे मुलाकात करो, पीछे निकल रहा है मुँह छुपा रहा है कि हजरत मुझे बुलाया पता ना चल जाए उसको, मुझे बताया फिर तरक्की क्या करेगा आदमी, मुझे खुद सोचें कि कितना बड़ा नफ्स और शैतान के धोखे में वो शख्स कि जो रास्ता है उस रास्ते छुप रहा है, उस रास्ते अपने दूर कर रहा है, तो अपने आप में मलामत करे कि तू इंसान है, तुझे उस चीज़ से मोहब्बत नहीं जिस चीज़ से अल्लाह अपना कुर्ब देता है, अपनी मोहब्बत देता है उससे मैं भाग रहा हूँ, उसके हो भी नहीं मेरे दिल में, उसकी चाहत ही नहीं मेरे दिल में, यकीन मैं तो बहुत सख्त बीमार हूँ मैं तो भाई। नहीं नफ्स इसको आपको सोचने भी नहीं देगा। ये जो निशानी अल्लाह पाक ने रखी है ना, ये आयात है, ये निशानी अल्लाह ताला की शौरुल्लाह है, ये मस्जिद शौरुल्लाह है, अल्लाह की निशानी है ये कि कोई पास से गुजर रहा हो ये मस्जिद कब बनी उसको पता नहीं मस्जिद बनी गई है, और एक आदमी है जो मस्जिद के अंदर ही बैठा रहता है, कितना फर्क है, क्योंकि उसकी अल्लाह की इस आयत से इस निशानी से मोहब्बत है, प्यार करता है। ये सारी शौरुल्लाह अल्लाह ताला फरमाया मेरे जिससे मैं मिलता हूँ जिन चीज़ों से, जब इंसान से मोहब्बत करता है। तो फरमाया मैं पीछे बैठता था सुनता था सोचता था कि नबी पाक सम मैं भी कोई ख्वाब देखूँ मैं भी पूछूँ, और मुझे ख्वाब आता नहीं था, फाजों को ख्वाब नहीं आते हैं, मुझे ख्वाब ही नहीं आता था, कोशिश बहुत करता है ख्वाब आए, नींद पूरी होते ख्वाब मुझे आते नहीं था। ये सहाबी की बात करूँ कितने बड़े सहाबी हैं दर्जे में, अब्दुल्ला बिन उमर आप सोचे छोटे सहाबी नहीं है। तो कहने जब बहुत ही मैं अपने आप मलाम थी अपने आप को कहना शुरू किया भाई तुझे ख्वाब ही नहीं आते, लोग मजे कर रहे हैं यार, इतना तो ख्वाब जाके नज़दीक हो जाते हैं बातें पूछते हैं, वो तेरी बारी कब आएगी, कहते हैं उस रात में सोया तो मुझे भी ख्वाब आ गया। ऐसे अब ख्वाब ये है जो मैंने आपको बताया, फिशते हैं एक रस्सी नीचे फेंक रहे हैं और उस रस्सी के जरिए मैं कह रहे हैं ऊपर चढ़ता हूँ। तो अब इतनी हिम्मत देखें, आशिक हैं मोहब्बत है लेकिन अदब उससे ज़्यादा है, अदब उससे भी ज़्यादा है, दिल बहुत करे लेकिन अदब की इतनी बड़ी दीवार कि नहीं यार कहीं बेअदबी ना हो जाए, पीछे ही रहो तो अच्छा है। सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत से बड़ा दर्जा है कि दिल कर रहा है दुआएं मांगी हुई है मौका मिल गया है लेकिन घबराहट हो रही है जाते नहीं यार कहीं कोई गलत बात ना निकल जाए। ये अजीब रिश्ते हैं अल्लाह को पाने के यार, ये बड़ी इबादतें हैं, ये हैं इबादत जिससे अल्लाह करीब होता है इंसान के। तो कह रहे भाई इतना होने के बावजूद भी कहता मुझे जरूरत नहीं हुई, मैं अपने ख्वाब में शौक इतना था, कहता फिर मैं अपनी बहन से कहा हफ्सा उम्मुल मोमिनीन जो थी रज़ियल्लाहु तआला हफ्सा से कहा हफ्सा मुझे शौक तो बहुत था ख्वाब भी आ गया लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही, तुम तो मेरे ख्वाब की ताबीर ले लो ज़रा। बोले सुभान अल्लाह, तो वो तुम्हें हाथ मुमिन थी, कहता अच्छा भाई फिक्र ना कर मौका देख के मैं तेरा ख्वाब अर्ज कर दूँगी देखेंगे क्या ताबीर निकलती है। खैर जो इंतज़ार में रहेगी जल्दी इसकी ताबीर मुझे पता चले। तो हफ्सा से पूछा कि पूछ लिया आपने, कहाँ कुछ तुम कहता मैं दरियाफ्त कर लिया तेरी ताबीर क्या थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया
अब ये सुन रहे हैं आप कि अब्दुल्ला बिन उमर है तो बहुत अच्छा आदमी, उन्हें सुभान अल्लाह है, एक सहाबी थे और अल्लाह के नबी के दरजात को जानते थे, लेकिन फरमाया आगे क्या फरमाया कि है तो बहुत अच्छा आदमी लेकिन काश वो रात की नमाज भी पढ़ लेता। हाय इतने बड़े सहाबी फरमाते इसके दराजात ही ऊपर हो रहे हैं, दराजात रूहानी तरक्की बातनी तरक्की हम सुने हमारे लिए नहीं, सुभान अल्लाह, अल्लाह को हर इंसान इसी से पहुंचा है, हर इंसान जो यही जो रास्ते अल्लाह ने बताया ना इन्हीं को तय करके पहुंचा है, इन्हीं मेहनतों से इन्हीं मोहब्बतों से इन्हीं चीजों से, हर सहाबा के नाम की मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, इस तरह तहज्जुद की तरगीब फरमाई अल्लाह ताला ने, तो फरमाया जब ये हुक्म आया मेरे पास, हालांकि पता था जब ये बात सुनी तो उसके बाद जिंदगी भर कभी मुझसे तहज्जुद की नमाज नहीं गई, बड़े बड़े भाव और जंगें आई बातें आई ममालत हुआ, तो फिर अब्दुल्ला बिन उमर से तहज्जुद कभी नहीं गई, कैसे छोड़ सकता था इस तहज्जुद को, इसकी इतनी बड़ी बात हो, बोले सुभान अल्लाह। तो भाई ये अल्लाह ताला ने जो बात चीजें दी हैं ना हमें, ये बड़ी नेमतें हैं अल्लाह ताला ने दी हमें, कर रोना होगा इसमें। इब्राहिम बिन आदम अब कितने बड़े अल्लाह वाले अब थे, हम समझते बस वासी बन गए, बस वो जिक्र करते थे, तलावतें कुरान इतने कुरान पढ़ लेते थे, इतनी नमाज, ये नुस्खे थे उनके पास। कहते बैतुल मुकद्दस में गया तो ये मैं हजरत की बात कर रहा हूँ, अपने हजरत ग्रामीण ग्रामी वो बता रहे हैं कि वो बैतुल फरमान उन्होंने हजरत इब्राहिम आदम ने फरमाया कि मैं बैतुल मुकद्दस में था तो रात का वक्त था, उनतीस मुझे आए तो ज़ाहिर नफ्स ने सांग मारता है ना गिराना चाहता है, फौरन कहते मुझे आवाज़ आई, आवाज़ें भी आती हैं भाइयों, अल्लाह सुभान अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है उनको आवाज़ें भी मारता है, ऐसा मारो तो फौरन मुझे आवाज़ की, आदम देख एक बात सुन, अगर तू चाहता है कि दोज़ख की आग ठंडी हो जाए, अंदाजा लगाया आप इस बात की कि तू चाहता है अगर दोज़ख की आग ठंडी हो जाए और पुरसरात से तू गुजर जाए तो फिर रात का जागना ना छोड़ना, सुभान रात की नमाज ना कभी छोड़ना। हाँ जी, यहाँ तो मैंने ऐसे मामला देखा है कि रमज़ान भी आ जाए ना तहज्जुद नहीं पढ़ते, खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है कि वो ना निकल जाए, सहरी निकल जाए, बहुत कम लोग तहज्जुद भी पढ़ते हो, उस वक्त भी नहीं पढ़ते उसमें नमाज, बस सहरी खा, हालांकि वो उठे भी हैं सब कुछ भी है, कम से कम उसी वक्त आदमी तहज्जुद के अंदर कुछ नफिल पढ़ रहे, वो भी महरूम जाते हैं इंसान का रमज़ान भी, अजीब देखे मामला थे हमारे, या तो अहमियत हमें पता ही नहीं चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहे हैं बातों को, या क्या मामला है, या होश हमारे ठिकाने नहीं, कि जो इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं कि अभी माल काम आएगा, ये दौलतें काम आएंगी जिसके लिए आप ये चीज़ें सो रहे हैं, या ये मकान काम आएगा, ये कि बीवी काम आएंगी, कि ये बताए फ़ज़ल हज में एक हज़रत शेख उल हदीस फरमाते हैं कि आखिर में भी इसी से काम चलना है, इन्हीं बातों से, बुजुर्ग थे बहुत बड़े, मैं बुजुर्गों की बातें बता रहा हूँ, तो ख्वाब देख रहे बड़ी हसीन तरीन, यानी जन्नत की हसीन हूर थी वो, मामूली हूरों में तो हुसन है ना, जितने बड़े बड़े दर्जे होंगे उतनी हसीन बीवी मिलेगी वहाँ, कंडम आदमी को कंडम, और जितनी मेहनत उसने की उसकी मेहनत के मुताबिक उसको और वहाँ बीवी नसीब होंगी, वहाँ महलात नसीब होंगी, वहाँ ये तो नहीं हर आदमी बराबर होगा, ऐसा नहीं है, अब वहाँ जो हो गया वो हो गया, या मार खा गया मार खा गया, कितने साल हमारे गुजर गए ये दुनिया के काम करते हुए, नौकरियां करते हुए, जॉब करते हुए, ये वक्त करते हुए, लेकिन इस काम के लिए वक्त नहीं मिला, वहां रोना पड़ेगा, इसका वक्त निकालें, इसका वक्त निकालें, कोई चीज रुकावट ना हो बीच में, किसी किस्म का मामला रुकावट ना हो, आज वक्त नहीं निकाला मैंने भाइयों तो कल इतना बड़ा पछतावा होगा कि इसके बाद कोई चांस, किसी मरने वाले से पूछ कि क्या कब्र में हसरतें कर रहा होगा और रश्क कर रहा होगा, देखे कि यार लोग अल्लाह को तहज्जुद पढ़ रहे हैं, मैं कहाँ था, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, मैं कहाँ था,
क्यों मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने बच्चों में, बीवियों में, लड़ाइयों में, झगड़ों में, फजूल मामलात में, बीमारी में कोशिश करता था और जिंदगी मिली, और जिंदगी मिली, अल्लाह उसको बीमारी को सही करता था, कैप्सूल खा खो के, दवाई खा के, लेकिन फिर उस लाइफ को उसने फिर भी इस्तेमाल नहीं किया। छोटी छोटी बीमारियों से उसने बड़े बड़े अमालों को तर्क कर दिया। किसके लिए भाई, जुल्म कौन कर रहा है? अपने आप पर कर रहे हैं, अपने बहाने खुद तलाश करते हैं। ये नहीं हो सकता, जो है, जो रास्ता लन दिया है वो रास्ता आसान है, नफ्स उसको हैवी करते हैं, भारी करके दिखाते हैं। याद रखें, अल्लाह ही जो जिसको अल्लाह गया है, वो कैसे मुश्किल हो सकती है चीज, कैसे मुश्किल हो सकती है? हिम्मत करके, हिम्मत करें ना, हम किम कम हिम्मती लोग हैं, बुजदिल लोग हैं, हम बुजदिल हैं, कम हिम्मत ही हैं, ये हिम्मत नहीं है हमारे, हम इस काम के लिए खड़े हो जाए। हाँ, उस काम की जो हमारे मर्जी के हो रहा होगा, या जिसको हम पसंद करते हैं, उसके तो चाहे जितनी चीजों दे दम कर लें, बेशक उसके नतज, इसके नतज कुछ भी ना हो, लेकिन बस ये काम तो, बस ये काम तो, ये कंपेयर तो कर लो। जिसे मैंने आपको बताया कि कोई अमल भी इसके अलावा नहीं कि रात को आप उठें, आप रात को सो जाए, ये अमल ज्यादा बड़ा है, सोना इतना अफजल नहीं है। कैसे कंपेयर कर सकते हैं जिसको हदीस और कुरान बता रहा है, बुजुर्गान दीन बता रहे हैं, अल्लाह की आवाजें बता रही हैं, एक हदीस है कि रात के तीसरे पहर अल्लाह सुबहान तआला नजूल फरमाते हैं आसमान पर। किस लिए आते हैं? इतनी इतनी रहमत कि आसमान दुनिया पे नजूल फरमाए हम जैसे नकालों के लिए। अल्लाह क्या जरूरत है इतने नजदीक आने की बंदे की, क्या कहने के लिए? मुझे बताएं किस फेल के लिए, वो अमल क्या होगा? तभी तो कहे कि कोई अमल भी इसके बराबर नहीं है। जिंदगी को उस सिस्टम पे रखो कि ये इसका क्या तरीका है, इसका क्या तरीका है, इसको किस तरह अदा करना है, इसके औकात क्या है, इसको देखने के बड़ा आसान तरीका है सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने सुन्नतें हैं। ये रबीउल अव्वल जो है ना, इसीलिए आया है, पता है ना आपको कौन सा महीना है ये? जी, इससे ऐसी बरकतों वाला कोई महीने होगा जिसमें अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, उसकी बरकतों का क्या अंदाजा लगाएंगे आप? घोड़ियां कैसी हो सकती हैं, वो रात कैसी हो सकती है, वो सादत कैसी हो सकती है कि चूनी कायनात झिल गई जिसको, जिस घड़ी नबी पाक तशरीफ लाए, उसकी बरकतों का कोई अंदाजा लगा सकता है आदमी? उस घड़ियों की रहमत का अंदाजा लगा सकता है? तो इस घड़ियों का, इस रबीउल अव्वल का क्या है, किस तरह इंसान इसका शुक्र अदा करे? इतनी बड़ी नेमत है जिसका कुरान कह रहा है कि बहुत बड़ी नेमत अदा कर रहा हूं मैं तुम्हें, हाल क्या किया हमने इस नेमत के बारे में बताया, किस तरह रुख फेर दिए हमने, किन कामों पे हम लग गए? ये अल्लाह ने जो मने दिए ना हमें, एक एक महीने वैसे अल्लाह ने एक एक चीज तकसीम फरमाई। तो इसके अंदर क्या रखा है कि जितना दर्जा आपका है नबी पाक का, इतना ही दर्जा इस महीने का है उस हिसाब से। इसमें आप तशरीफ लाए दुनिया के अंदर, इमामुल अंबिया, और कितने बड़े इंसान, कितनी बड़ी जात कि जिसकी तारीफ कर ही नहीं कर सकता कोई, एक शेर में क्या अंदाज, मैं कहता हूं इससे बड़ी तारीफ कोई है ही नहीं जो शेर ने बयान किया, इससे बड़ी नबी पाक की तारीफ ही नहीं है। क्या बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, खत्म, दरवाजे बंद, कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो तेरी जात ही है, खत्म। क्या तारीफ कर रहे आदमी से, क्या उनसी नात पढ़ेंगे आप, किस चीज की तारीफ करेंगे नबी पाक की? क्या बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। तो क्यों इतना महीना, इसमें क्या बरकत होंगी, क्या चीजें होंगी, आप खुद सोचें, तसव्वुर करें, किस तरह इसको जाया करते हैं, क्या शुक्र है इसका अदा करें हम? इसका शुक्र वही है इसका मैंने अभी बताया, आप आया सुन्नत, इस महीने के अंदर जो सुन्नत हमसे तर्क होती हैं, जिसको भूल बैठे हैं, जिसको छोड़ दें, उनको जिंदा करें, उन सुन्नतों को जिंदा करें। जिसने इस महीने में आके ये नियत कर ली कि आज के बाद मैं कभी दाढ़ी नहीं काटूंगा, जो जिसने हद बताई दाढ़ी कितनी रखूंगा, जिसने नियत कर ली कि आज के बाद मैंने कभी
वो लिबास नहीं पहना जो नबी को पसंद नहीं था। इस महीने में किसी ने नियत कर ली कि मैं कभी बुरखा नहीं उतारूंगी, कभी इस नकाब से चेहरा नहीं हटाऊंगी। दुनिया के हालात नहीं जाते जब ये हो जाएगा तो ये कर, नहीं नहीं नहीं, जो औकात अल्लाह पाक ने दी है उस औकात में वो मांगो करो। रबी उल का जो मैंने दिया क्या है, आहे सुन्नत के लिए है, सुन्नतों को जिंदा करो अपने वजूद पर। आपसे सुन के एक एक सूत का या वादा करे इस रबी इंसान, मैं इतनी चीजें छोड़ रहा हूं नबी पाकिस्तान की, जिंदगी गुजारूं जानो वाली, और फिर मैं कहता हूं अल्लाह के करीब हो जाऊं। ये नफ्स की जिंदगी है, ये शिकल मेरी वो नहीं है, ये दाढ़ी मेरी वो नहीं है, लिबास मेरा वो नहीं है, कभी मैं क्या बन जाता हूं, कभी कुछ बन जाता हूं, मस्जिद में आता हूं एकदम चेंज हो जाता हूं, बाहर निकलता हूं एक दूसरा हो जाता हूं, कभी किसी से मेरी मुशाबत हो जाती है, कभी किसी से मेरी शिकल मिलना शुरू हो जाती है, थोड़ी दूर जाऊं तो मैं कुछ और बन जाता हूं, किसी और घर में मैं कुछ और बन जाता हूं। तुम्हारा एक रंग नहीं है, हमारा तो एक ही रंग है, वो रंगे रसूल है। बुजदिल क्यों बनते हो भाई, कावड़ क्यों बन के जिंदगी क्यों गुजारते हो? मोमन रहो, मोमन जिंदा रहो, मोमन मरो और मोमन पेश हो अल्लाह के सामने। अरे बाकी नफ्स के धोखे में बड़ी चीजें, नहीं जी ऐसा भी हो जाता है तो फला भी हो जाता है जी, नहीं इसका नहीं मसला ऐसा है जी, ये नहीं है ऐसा नहीं है, पूरा महीना दिया है, जैसे पूरा रमजान दिया ना अपने आप को वॉश करने के लिए, अल्लाह ताला ने पूरा महीना दिया है रबीउल अव्वल का, मनाने के लिए नहीं हया के लिए दिया है। सुभान जिंदा करो अपने आप को किस चीज से, नबी पंगी सुनत शरीफा से अपने आप को जिंदा करो। आपको मैं टटोलो कि हमारी जिंदगी में कोई चीज जैसे खिलाफ पैगंबर किसे नागुजीर, शेख साहब होंगे किसी भी किसी को रास्ता मिल सकता है नबी पाकिस्तान की रास्ते के बगैर? तो इसमें तो अगर हम नियत करेंगे तो कितनी ये गारंटी हो जाएगी, ये अल्लाह के नबी का जो पैदाइश का महीना था उस महीने में से ही दाढ़ी को पूरा किया, उस महीने में से ही मामले को कबूल किया, उस महीने में से बुरखे को पहना, उस महीने में फलां इंसान ने काम किया, ये है आपका रबीउल अव्वल का शुक्र अदा करने का महीना। अरे सुभान अल्लाह, इसको कहते हैं रबीउल अव्वल, कितनी बड़ी घड़ी है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, यह तरीका जिंदगी का इबादत का अल्लाह को पाने का सिर्फ वही है क्या, कि जो सुन्नत का तरीका है बताया गया है किस तरीके से, इस रास्ते से तुम आओ अल्लाह को पाओ, अल्लाह के नबी फरमाया। तो अल्लाह ने रास्ता क्या बताया कि रात को जागने की आदत डालो, अपने साहबों को तरकीब दे रहे हैं, कितने बड़े साहबों को तरकीब दी हमने, देखना सीखो अल्लाह को पाना चाहते हो तो। अल्लाह ताला देखिए खुद आसमान जमीन पे तशरीफ लाते हैं किस लिए, एक ऐसे अमल को बताने के लिए कि जिसको हम भूले बैठे हैं, जिसको नबी ने बताया, और किस तरह याद करा रहे हमें, सुभान अल्लाह, डायरेक्ट नहीं फरमा रहे बल्कि हमारी जो कमजोरी है उसके वादे फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या कमजोरी है हमारे, खाए जी रिजक नहीं है, मर गए कहां से नौकरी मिलेगी, क्या करें जी खाएं, कोई बड़का भागता है, कोई पाकिस्तान छोड़ता है, कोई हमारा इंडिया छोड़ता है, घर छोड़ता है, बाल छोड़ता है, बाप छोड़ता है, माँ छोड़ता है, किस लिए, बस रोटी मिल जाए, कहीं से रिजक मिल जाए, कहीं से फला चीज मिल जाए, कैसे वो हो जाए, दीन दुनिया सब छोड़ देते आदमी, यही है ना, भूखे मर जाएंगे, फला मर जाएंगे, फिर परेशानी है, फिर मुसीबतें, ये हमारी जिंदगी के अंदर चलता है यार, ये मुसीबत कैसे खत्म हो, ये परेशानी आ गई यार कैसे खत्म। अब फिर सबसे बड़ा काम तो मोमिन को भी है, आसान हुआ है कि यार हमारा मामला होगा क्या आखिरत में, गुनाहों से जिंदगी भरी पड़ी है, हमारे भी सारे रिया वाले हैं, हमारा काम क्या बनेगा। ये तीन मेन पॉइंट है हमारे, याद रखिए मोहन की तीन चीजें हैं जबरदस्त, रिजक कहां से खाएं, तेरा ख्याल जाद खुदा फिक्र रोजगार, तो दिन की जिंदगी में बड़ा इस्तराब है, जिंदगी तो दो दिन की है, काम तीन है जो परेशान हमें करते हैं, खाएगा किधर से यार, जितनी परेशानी ये करना फला करना ये कैसे पूरा होगा। फिर थोड़ा सा ख्याल आता है आखिरत का भी, यार मगफरत तुम्हारी कैसी होगी, अल्लाह ताला रोजाना अल्लाह सुबहान ताला बोले सुबहान अल्लाह, दस साल लगाए अल्लाह की रहमत का,
रोजाना अल्लाह ने एक वक्त सेलेक्ट कर लिया है खासूसन खास और खास आदमी पे तवज्जा फरमाने का और रहमत फरमाने का। पूरे दिन में पूरी रात में ऐसा वक्त कोई नहीं, खुद अल्लाह ने सेलेक्ट किया अपने बंदों के लिए। अब बाकायदा आवाज मारते हैं अल्लाह ताला, ये कहीं नहीं हदीस में है कि कोई फरिश्ता आवाज मारता है कोई निदाला था, नहीं फरमाया अल्लाह खुद आवाज मारता है और सुनने वाले सुनते हैं। मुजस्सा नहीं फरमाते हैं जिनके बातें साफ हो जाए ना अल्लाह के जिक्र से तजकिए से वो ये बातें सुनते हैं। हज़रत मुजस्सा फरमाते हैं कि मैं उठते ही इस आवाज के साथ हूं, हम तो अलार्म से उठते हैं ना, अलार्म लगाओ तो उठेंगे, फलां करो तो उठेंगे, वो भी अल्लाह तौफीक दे गुनाहों से बचें तब, वरना अलार्म भी बंद कर देते हैं। क्या इलाज बताया मैंने इसका, बगैर अलार्म के उठेंगे कि गुनाहों से तौबा करके सोएं। अल्लाह से वादा किया अल्लाह ताला आज जो गुनाह होंगे तो कल नहीं करूंगा, किसी अलार्म की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद उठाएंगे आपको। देखिए किस तरह खुलती, ना थकन होगी ना सुस्ती आएगी ना कोई काम आपके आड़े आएगा, आप तरो ताजा उठ के अल्लाह की इबादत करेंगे। समझे बात, तो अल्लाह खुद तशरीफ लाते हैं और इंसान से तीन उनकी यहां इसके बाद समझ आएगी इनकी जबान में गुफ्तगू करूं मैं। तो मैं कोई है जो मुझसे मकफरत चाहता है, कौन नहीं चाहता। नमाज क्यों पढ़ते हैं, अल्लाह बख्शते। रोजे क्यों रखते हैं, या अल्लाह बख्शते। हज क्यों करते हैं, या अल्लाह बख्शते। उम्रे क्यों करते हैं, या अल्लाह बख्शते। तिलावते कुरान क्यों करते हैं, या अल्लाह बख्शते। लेकिन ये हमें नहीं बख्शाएंगे, कब बख्शाएंगे, जब अल्लाह इनको कबूल करेगा। नमाज नहीं बख्शा सकते, कुरान नहीं बख्शा सकते, कोई चीज डायरेक्ट नहीं जब तक कि अल्लाह की रहमत नहीं होगी। ये सब खड़ी होंगी एक साइड पे कि अल्लाह इसको कबूल करता है, कितनी बड़ी बात है, शर्त अल्लाह ताला की कबूलियत मेरी होगी तो फिर इसके जरिए काम बनेगा, नहीं तो मुंह पे मार दी जाएगी। है या नहीं ऐसा, ठीक है ना। उस चीज पे हम जोर मार रहे हैं बहुत ज्यादा कि जिसका पता गारंटी नहीं है, लेकिन जो अल्लाह खुद बात कर रहा है कि कोई है मगफरत मांगने वाला, और खुद पता है कि है, मांग मैं तुझे आज बख्श देता हूं। बताओ कौन कौन सी चीज मकबूल है, ये सब इसलिए कि हमें जागना है थोड़ा सा, सबसे काम करना है। क्या कह रहे हैं, मगफरत और रोजाना। अगर मेरी जिंदगी 60 साल की तो 60 साल की रातें मेरी हर रात में ये कह सकता हूं अल्लाह ताला से, तो कितनी बड़ी जन्नत होगी उस शख्स से, मुझे पता है। जब कोई है मगफरत मांगने वाला, सारे दिन मत हम गड़गड़ाते रहते हैं, उल्टी सीधी हरकतें, या अल्लाह माफ, या ये क्यों नहीं करते, सो कहते मैं हूं लबैक। हज़रत फरमाते हैं कि एक दफा मैं अपने वालिद के साथ, हज़रत मौलाना हुसैन रहमतुल्लाह अलैह बड़े भोपाल और दक्कन के शेख लदीस थे और चुश्तिया खानदान के इतने बड़े अल्लाह के वली थे, इतने बड़े वली थे कि सहारनपुर खुद उनकी खानकाह में डेरा आज़े खान आते थे। सहारनपुर हजीर अहमद सहारनपुर रहमतुल्लाह अलैह, मैं अपने हज़रत की बात कर रहा हूँ, कि खुद आते थे उनसे मिलने, किससे, हमारे हजरत रहमतुल्लाह के वालिद साहब से मिलने, मौलाना हुसैन रहमतुल्लाह से। चुश्तिया खानदान के बहुत बड़े अजीम बुजुर्गों में शुमार किया जाता था उस वक्त जमाने में। ये कौन सी बात करूँ, 1900 से, ये पहली बातें कर रहा हूँ मैं आपसे, 1900 से तो पहले मेरे हजरत की पैदाइश है। ये आज की बुजुर्ग की बात नहीं कर रहा, पता नहीं अल्लाह ने मुझे उनसे कैसे मिला दिया, मैं तो खुद हैरान हूँ। 21 जमाने के वो बुजुर्ग 1900 से पहले की पैदाइश है मेरे हजरत की, जिनको मैं मिला हूं, जिनसे फैज हासिल किया तुम लोगों को मिला है, उनकी आंखों ने क्या क्या देखे हैं, हजरत थानवी, हजरत रशीद गंगवी, हजरत सहारनपुरी, हजरत यहाया, ये सब उनकी आंखों ने देखा था, जिनकी आंखों से नूर लेके आप ले रहे हैं। अच्छी है, इतने करीब किसी की मिसाल के फैज पाता होगा इंसान, मुझे बताएं। अल्लाह की नेमत, शुक्र की नेमत में कहता हूं मैं कि मुझे दिखाएं कोई बुजुर्ग ऐसा हो कि जिस सोहबत में बैठा हूं। मैं आपसे कहता हूं दिखाएं मुझे कि जिस बुजुर्ग ने ये सोहबतें ली हो,
उसकी सोबत में कोई बैठने वाला हो जिसकी सोबत आप ले रहे हैं, दिखा दे मुझे कोई याद। हम भी नक्शबंदी, सब नक्शबंदी जो कुछ भी हो, लेकिन सोबत सबसे बड़ी चीज होती है। सोबत सबसे बड़ी चीज। सहाबे बने क्यों है? उनके पास तो एक ही चीज है, इबादत नहीं है, कुरान भी नहीं है, बुखारी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उस वक्त। सो एक ही चीज थी, वो क्या थी? सुभान अल्लाह, चेहरे रसूल और उनकी आंखें, और कुछ नहीं था। एक ही सोबत के अंदर सारे मदार जन्नत तक तय करवा देते आप। और यही शेख की सोबत है। एक तवज्जा में मामला साफ हो जाता है, एक तवज्जा में शेख की। लेकिन किस पर तवज्जो होती है? कि जिसकी जमीन जरखेज हो, मुनाफिक ना हो, झूठा ना हो, चक्रबाज ना हो, जिसके दिल में मोहब्बत हो शेख की, अदब हो, जानने वाला हो, फना करने वाला हो अपने आप को कि मैं इस रास्ते से अपने अल्लाह को पा के छोड़ूंगा। फर्क है ना? तो बुजुर्ग पे किसने असर पड़ता है इंसान। मुझे आज बता रहा था अपने एक साथी को, मैं बात मस्जिद दारुल कुरान में जाता हूँ कोई नमाज पढ़ने, तो मैं याद आ गए मोमिन साहब, उनकी कुछ किताब भी किसी जीती वो देख भी जाती। तो किसी साल मुझसे मुलाकात की, वो भी मौलाना थे, तो उन्होंने कुछ बातें पूछी, मैं समझा रहा था उनको, कुछ बाहर निकला तो मुझे वो याद आ गया। मैंने कहा आज ये मौलाना मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो कल ही की बात है, दो दिन की बात होगी मेरे नज़दीक, तो कि मेरे पीछे मुझे ढूंढते 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 बेचारे मौलाना मोमिन, कभी उस मस्जिद में, कभी उस मस्जिद में, कभी उस मस्जिद में, हालांकि तो बड़े मसरूफ थे तकरीर वगैरह में, ढूंढते ढूंढते आखिर जो मैं निकल, मुझे पकड़ लिया, मैंने आपको पकड़ लिया हजरत। मैंने मैं क्या बात कहते, मैं तो सुबह से आपको ढूंढ रहा था, खुदा के वास्ते आगे सबक दीजिए मुझे। और किताब उनके हाथ में, डायरी उनके हाथ में, मैं फिर उसी कोने में ले गया जहाँ उनको बिठाया था। तो मैंने उनको असबाक देता, आज भी इस दुनिया में नहीं है। ये तो मामला है, क्या दर्जे होंगे उनके मुझे बताएं, कि जो इतना बड़ा आलिम हो, जिसकी दुनिया जिसके पीछे फिरता हो, वो एक अल्लाह वाला समझता हुआ, मैं अल्लाह वाला तो नहीं हूं, अल्लाह वाला समझते हुए सब सबक लेने के लिए मेरे पीछे ढूंढता फिर रहा है, मुझे तलाश करता फिर रहा है। क्यों? कि उसके दिल में मोहब्बत आ गई थी, उसको पता था कि यहां से मुझे मोहब्बत मिलेगी अल्लाह ताला की, मैं अपना वक्त ज़ाया ना करूं। ये मोहब्बत अल्लाह से मांगे, अल्लाह रसूल का हुब्बा का भाई जो हब का नबी हम बताए कि अल्लाह ताला मैं तेरी मोहब्बत चाहता हूं, लेकिन किस तरीके से कि तू किसी ऐसे शख्स की मोहब्बत दे दे कि जो तुझसे मोहब्बत करता है। कभी मांगा हमने अल्लाह ताला से? बड़ी चीजें मांगने की हमारे पास, इतनी लंबी लिस्ट है, तहज्जुद पे भी मांगने उठ गए ना, तो कभी वो चीजें नहीं मांगेंगे जो अल्लाह में कह रहे हैं मांगो, नहीं मांगनी। अल्लाह दुकान का बड़ा मुश्किल पैसा है, उसका पैसा देना, कर्जा चढ़े है जी, माल मैं लेना चाहता हूँ जी, माल क्रिसमस आने वाली है, काम मेरा बन नहीं रहा जी, मेरी फलां शादी नहीं, तो मेरा फलां, इतने में तहज्जुद की नमाज़ी खत्म हो जाती है। मग़फ़रत है कोई मांगने वाला उसकी मग़फ़रत है? कोई रिज़्क मांगने वाला जिसको रिज़्क अदा फरमाऊं? रिज़्क दुकानों से नहीं आता, आसमानों से आता है, याद रखना। अगर दुकानों से आता हम तो मर जाते हैं, मेरे तो कोई दुकान नहीं है, 20 सालों को वैसे बैठा हूं घर के अंदर, मैं तो भूखा मर जाता, मैं तो बिल भी ना दे सकता। क्यों? मुझे पता है, दुकानें भी करके देख ली, कारोबार भी करके देख लिया, वो भी सब करके देख लिया, लेकिन आता रिज़्क कहां से है? आसमानों से आता है। इसको छोड़, अल्लाह का पता, जब तक जिंदगी है अल्लाह जो वादा किया तो रिज़्क पहुंचाने का, बेशक सूखी सूखी रोटी पहुंचे आपको, पेट भर जाएगा आपको, और पेट ऐसा भर जाएगा, जब सूखी रोटी मिलेगी आपको तो वो रोटी आप ऐसे खाएंगे जैसे कोई आदमी चूजे खा रहा है, चिकन खा रहे, उससे ज्यादा मजा आपको उसमें आएगा। वो देगा भी तो आप कहेंगे नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं यार, आज जो रोटी खाई माशाल्लाह चटनी के साथ लुत्फ आ गया यार, ऐसी नींद आई, उसके बाद इतनी गनूदगी आ गई मुझे तो नींद इतनी जबरदस्त। उतो पिता मैं गिलास लस्सी दा इन्ना वड्डा, जे लस्सी दा पिता गिलास ही यार नून पा गए थे, बस पूछा ना खराटा किस तरह पाया, मैं खराटे समझते ना, ना लली उठ गया मेरे खराटे में, वो क्या था? सूखी रोटी। अरे एक ने 3 चूजे खा गया, पता नहीं क्या कुछ खा गया, आलू पुलाव जर्दे कमी हुआ, लेकिन नींद नहीं आती सारी रात, पता नहीं अब पेट में क्या हो गया यार, पता नहीं नींद नहीं आ सारी रात, नहीं कर रहे बदलते बदल के, कितना फर्क है। क्यों? कि उसने आसमानी रिज़्क को तस्लीम किया है, इसने जमीनी रिज़्क को तस्लीम किया है।
अल्लाह कहता है रिज्क मैं देता हूँ, है क्यों मांगने वाला? जो उससे रिज्क मांगता है ना तो उसको फिक्र नहीं रहता फिर किसी चीज़ का। तीसरी चीज़ जिससे बहुत घबराता है, फलां परेशानी, फलां मुसीबत, फलां ये बच्चों की मुसीबत, शादियों की मुसीबत, उसकी मुसीबत, इसकी मुसीबतों में घिरा हुआ है, औलादों की मुसीबत में घिरा हुआ, फलां ने घिरा हुआ है। अल्लाह कहता है कोई है अपनी मुसीबतों से इलाज मुझसे कराने वाला, उसकी मुसीबतों को दूर फरमा दूँ, उसकी बीमारियों को दूर फरमा दूँ, उसकी हिसाब किताब खत्म कर दूँ, कोई है सच्चे दिल से आके हाथ उठा के तीन चीज़ें आप मुझसे मांगे, किस वक्त? कि जिस वक्त मैं चाहता हूँ उस वक्त, फजर नहीं कहा, ईशा नहीं कहा, वो अपनी जगह मांगते जो मांगना है, लेकिन जिस वक्त अल्लाह कह रहे हैं ना कि मैं देना चाहता हूँ तू मांग मुझसे, वो अपना मांग, उस वक्त हम क्या करते हैं? बड़ा मुश्किल है जी, इस वक्त काम पे कैसे जाएंगे, बड़ा मुश्किल है जी, कितने जी आया तो नहीं हो सकता जी, पता है कसूर किसके, कितना कसूर है हमारे नफ्स का, तो जिक्र है क्या तहज्जुद का, बड़े सुभान अल्लाह। मैं दुनिया में नहीं, दुनिया में उससे काम, यहाँ दुनिया नहीं आखिर तो इस तहज्जुद से काम चलेगा, बता रहा था ना आपको सबसे हसीन हूर ऐसे ही दर्जे के साथ मिलेंगे ना सब चीज़ें आप, तो उस बुजुर्ग को दिखा दी, क्योंकि यहाँ एक नुकता है, उस बुजुर्ग को वो हूर क्यों दिखाई, इसलिए कि उस बुजुर्ग का मुकाम वहां पर था, कि ये है तेरे लिए मुकाम, ये हूर है जो तुझे मिलेगी, ये महल है तुझे, मुझे दिखाया जाएगा तो क्वार्टरली दिखाया जाएगा, लेकिन आपको दिखाया जाएगा तो आपके मुताबिक आपको महल दिखाए जाएंगे, मेरा अपना दर्जा है, आपका अपना दर्जा, वो इतने ऊंचे हैं आप माशाल्लाह, तो ये नहीं कि मुझे ख्वाब भी वही नजर आया जो आपको नजर आ रहा है, अगर वो ख्वाब देखना चाहते हैं ऐसे ख्वाब तो हकीकत होते हैं, तो फिर ऐसा है कि आप भी वैसे बन जाए जैसे वो है, आप भी ऐसी मेहनत करें, तो उनको ख्वाब क्या नजर आई, हसीन तरीन हूर नजर आई, बहुत खूबसूरत, उस हूर को देखो, कहते तू किसके लिए है, कहते तेरे लिए, अच्छा तू मेरे लिए, लेकिन एक शर्त है, क्या? कि अगर तू मेरा महर अदा करेगा, महर तो सिर्फ यहीं महर अदा नहीं करना पड़ता बल्कि वहां भी शादी का महर अदा करना पड़ेगा हमें, बोलो सुभान अल्लाह, ये नहीं मुफ्त में निकाह हो जाएगा, महर देना पड़ेगा, महर कौन सा होगा, जितनी हसीन औरत थी, कहते मैं अपनी पसंद की महूर महर मांगेंगी आपसे, कोई आपसे कहेगी जिक्र अल्लाह का महर मुझे दे, जी वो तो मैं किता ही कोई नहीं, पीछे हट फिर, वो जाओ उधर बैठी हुआ ऐसी डिब्बी उसके पास चला जाओ, ये महर है उनके, किसी में शाख तक बैठता था, लफ्ज़ जिक्र करता था, कर आजा आजा मैं तेरा महर मुझे मिल गया, तू मेरे लिए है, ये वक्त जाया नहीं कर रहे आप, बल्कि वहां की तैयारी भी कर रहे हैं, यहाँ बस जल्द पहुंचना है हमने, खासतौर पर जो चिट्टी डाडी वाले बैठे हैं ना, तो वो तो पूरा इंतजाम करें, उनकी तो बहुत सख्त जरूरी है चीज़, उनको तो भाई टाँगें मारनी नहीं चाहिए, अब ये टाँगें नहीं चलती जी, मेरा मुंह नहीं चलता, मेरा हाथ नहीं चलता, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इनके चलने फ्यूज हो गए ना, अब शौक हुए उनका कि मैं तहज्जुद पढ़ूँ, तो अब भी उसका तरीका मैं आपको बता दूँ, ये नहीं जब तब तो गए जब क्या करें, हाँ ये बात मनी अल्लाह वाले वहाँ तक छोड़ते हैं जब तक इंसान मर नहीं जाता, यहाँ भी बताता हूँ आप तहज्जुद गुजार हो सकते हैं, ना उठेंगे बिस्तर से, ना वजू करेंगे, ना मुसल्ले पे जाएंगे, ना नमाज पढ़ेंगे, लेकिन तहज्जुद का दर्जा मिल जाएगा आपको, खाली नहीं जाएंगे आज के मजलिस से, तहज्जुद गुजार बन के जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, हर अपने अपने दर्जे पे तहज्जुद गुजार बन के जाएगा इंशाअल्लाह, सुनने वाला, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बड़ा कोई महरूम नहीं होगा, सुभान तो उसने कहा महर, कहता है माहर है मेरा, क्या कि रात का जागना, तहज्जुद लिया महर अदा फरमा दे मैं तेरी हूँ, उसने तो बहुत है मेरे पास माशाल्लाह, कितनी चाहिए तुझे महर मुझे बता, ये तो काम ही मैं ये करता रहा था, मैंने तो जो हदीस सुनी थी नबी पाक की, क्या हदीस थी, तिब्रानी की हदीस है, कि हर मोमिन को चाहिए कि रात को नमाज पढ़े, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसको नहीं छोड़ देना, हर मोमिन को चाहिए कि तहज्जुद की नमाज पढ़े, लेकिन आगे बहुत एक आसान तरीका इरशाद फरमाया है इसी हदीस के अंदर, तिब्रानी की हदीस मुझे याद आ गई, मैंने आपको सुना दी, चलें इसको कट करता हूँ, तारीफें मैंने बहुत कर दी तहज्जुद है, तो बहुत तारीफ तहज्जुद की, अभी बड़े बड़े बुजुर्गों की बातें मैं आपको बता देता,
लेकिन फिर आके हमें जिक्र भी करना है, फिर आपको नींद भी जल्दी आ जाएगी, फिर बहाने करेंगे हजरत साहब ने मुझे हमें जगाए रखा था, हम तहज्जुद कैसे पढ़ते, आज आपने तहज्जुद पढ़नी है सबने माशाल्लाह। तो मैं यहाँ कट कर देता हूँ, माशाल्लाह काफ़ी स्टॉक मिल गया आपको, तहज्जुद कितनी बड़ी चीज़ है, काफ़ी है ना माशाल्लाह। अब से पढ़ें कैसे, मेरे जैसे डब्बे भी हैं, कोई मेहनत वाले भी हैं, कोई हिम्मत वाले भी हैं, कोई बीमारी भी हैं, कोई बेचारे बुढ़े भी हैं, किसी हाल है कोई किसी हाल में, लेकिन सब ने तहज्जुद गुजारा बनना है, अब बने कैसे। तो मेरे भाई तहज्जुद की तारीफ सुनते हैं क्या शरीयत। तहज्जुद कहते हैं रात की नमाज को, इसको क़ियामुल लैल कहा जाता है, क़ियामुल लैल। इसका टाइम कब है ताकि पढ़े, असल टाइम इसका जो है तहज्जुद का वह है रात का तीसरा पहर, जिसमें अल्लाह सुभान व तआला नज़ूर फरमाते हैं, तीसरा पहर। तो हर इंसान को वहां पहुंचने की जरूरत है, बोले सुभान अल्लाह। नीचे से नहीं शुरू कर रहे हैं, ऊपर से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आप बड़े लोग बैठे हैं माशाल्लाह, हाफिज कारी आलिम आप पता नहीं क्या क्या जाकिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दर्जे के आजाद बैठे हैं, बड़े बड़े वली अल्लाह बैठे हैं। तो मैं उससे ऊपर से काम करता हूँ, फिर मैं लाऊंगा अपने तक जो मैं कमजोर आदमी हूँ, मैं तो यही कर सकता हूँ जिससे ज्यादा नहीं, तो ऊंचा लोगों से काम करते हैं कि हर सबसे पहले तो आदमी को उस तीसरे दर्जे पहुंचना चाहिए कि तीसरा पहर जो है रात का वो है असल तहज्जुद का वक्त, जाए आदमी सो जाए और तीसरे पहर में उठे, बोले सुभान अल्लाह। ये उस वक्त जबकि बुजुर्ग फरमाते हैं कि रात को तीन हिस्सों में तकसीम करें, जब रात को तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं तो पहला हिस्सा बोले सुभान अल्लाह, दूसरा हिस्सा बोले सुभान अल्लाह, तीसरा हिस्सा बोले सुभान अल्लाह। तीन हिस्से, पहला हिस्सा, अगर ये तीन हिस्से में तकसीम कर रहे हैं तो फिर तीसरा हिस्सा नहीं बल्कि दरमियानी हिस्सा जो है वो अफजल तरीन हिस्सा है। तीन हिस्सों में तकसीम किया रात को, तो अपने दरमियानी वाला जो हिस्सा है वो अफजल तरीन हिस्सा है तहज्जुद का, क्योंकि इसमें एक अजीब सुन्नत है। वो क्या कि आप उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे खुशू खुशू के साथ, यानी बिस्तर देखते जाएंगे, नमाज पढ़ते जाएंगे, हूं जाओ बिस्तर थे, हूं जाओ बस खत्म करो जल्दी जाओ बिस्तर, ऐसी नमाज नहीं चाहिए, बड़े खुशी और खुशी के साथ नमाज पढ़ेंगे आप। नमाज तहज्जुद की कोई रकातें नहीं है, इट्स अप टू यू, दो से लेके चार से लेके छः से लेके आठ से लेके दस से लेके बारह तक जितनी चाहे पढ़ सकते, सारी रात पढ़ो। स्टार्ट कहाँ से होती है, दो से शुरू होती है तहज्जुद। तो फिर आपने नमाज पढ़ ली, दरमियान दर्जे का कायम हो जाए, ना दो रखें ना बारह रखें बल्कि आठ रख रहे, जो आम बुजुर्ग को कौड़े के आठ नमाजें पढ़ते हैं, आठ रकात नमाज पढ़ते हैं, इसको मामूल बना लें। तो सेकंड हिस्सा जो है रात का वो अफसल तीन हिस्सा है, इसलिए कि आदमी उठता है तहज्जुद पढ़ता है, फिर मैं बताऊंगा आपको तहज्जुद उठने का तरीका क्या है, इसमें कितने सवाब हैं, ये आज नहीं फिर अगली बात में उसको बताऊंगा, किस तरह उठना चाहिए, कैसे हिले बिस्तर से, क्या करे तहज्जुद के बाद, ये बहुत बड़ा वक्त है, उसके आदाब बताऊंगा आपको मैं इंशाअल्लाह। कहाँ से सीखे, अपने हजरत कुछ देख के सीखे सर, मैंने उनकी तिर्मिज़ी बुखारी बुखारी वगैरह नहीं पढ़ी, मैंने वो सबका नचोड़ पढ़ा है, अमलन देखी है मैंने, बुखारी भी देखी है, इमाम मालिक भी देखी है, सब मैंने जो देखी है वो अमलन देखी है, अपने शेख की शक्ल के अंदर, अपने शेख के तर्ज जिंदगी के अंदर, खाने काबा में देखा है, मदीने मुनव्वरा में देखा है, बैठ उनकी नमाजों का अवसर किए, अतियात कैसे पढ़ रहे हैं, मुझे पता है कि उनका कोई फेल भी खिलाफ सुनत हो ही सकता ही नहीं था, यकीन था अपने शेख। मैं जरूरत नहीं, मैं कौन जाके बुखारी पढ़े, इमाम मालिक की पढ़े, तिर्मिज़ी पढ़े, क्यों ना हजरत को पढ़ता रहे इंसान अपने शेख। आप भी कोई बना लें ऐसा शेख, मुझे बताएं था, मैं भी बनाऊँ उसको फिर शेख, मैं भी चलूँ, आप भी तलाश करें, मैं भी तलाश कर रहा हूँ, बोले सुभान अल्लाह। अच्छा जी, क्या बता रहा था, दूसरे हिस्से के अंदर क्या है, कमाल जी कि आदमी तसल्ली से नमाज पढ़ता है, पढ़ने के बाद फिर बिस्तर पे चला जाता है, इस तरह हाथ करता है, लेकिन वो नींद जो होती है वो ऐसे नहीं होती कि आप गर्म बोतल रख के सोएं, नहीं, सब ये होती है कि हमने दोबारा उठना है बड़ी इबादत के लिए, तो हाथ को ऐसे खड़ा करके सोते हैं अक्सर लोग, पिता के जागते रहे,
हाथ खड़ा रहता है राइट साइड, तो वो अल्लाह खुद इंतजाम कर देते हैं इंसान। उसमें यह कि आदमी ने जो लेटता है वो इसलिए लेटता है कि अगली नमाज जो मेरी इशराक तक मेरी इबादत बेहतरीन इबादत हो जाए, वो ऐसी नींद होती है, गहरी नींद नहीं होती है। ये नीयत करके सोता है आदमी, चलो भैया मैंने तहज्जुद पढ़नी है और फिर इशराक पढ़नी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ ज़रा, तो वो फ्रेश जो आप होंगे ना तो अल्लाह ताला फ्रेश के मुताबिक ही आपको रखेगा इंशाल्लाह। बेड पे आप चले गए फ्रेश होकर उठेंगे, फटाफट वजू किया अल्हम्दुलिल्लाह, दो रकात सुन्नत पढ़ी, सुन्नत के बाद फिर एक सुन्नत अदा करनी है, सुन्नत के बाद फिर आप वहीं लेट जाएं हाथ रख के ना थोड़ी देर अपनी जा नमाज पे दो मिनट, इनमें सुन्नत थी। एक औरत थी उसको मैंने बताया वो पाकिस्तान में, उसने इस पर अमल करना शुरू किया, उसका फ़ोन है कि हज़रत दूसरा दिन मुझे अमल किया तो मुझे ज़्यारत शुरू हो गई। अल्लाह की नबी की सुन्नतें बहुत अजीब चीज़ें, रबी अव्वल सीखें, रबी अव्वल आए हुए हैं माशाअल्लाह, अल्लाह के बंदो बड़ी ज़बरदस्त चीज़, ये भी एक सुन्नत अदा कर दिया करें, ये नहीं वही सो जाए नहीं वो भी ऐसी है, फौरन नमाज पढ़ी सुन्नत, अक्सर घर से पढ़ के आते हैं सुन्नतें भाइयों, तो सुन्नत पढ़े आप थोड़ी देर वहाँ दो मिनट तीन मिनट बस सिर्फ पाँच मिनट देखिए, फिर उठे फिर सीधा हालतूल मस्जिद की तरफ, नमाज पढ़ें इशराक पढ़ें, अल्लाह ताला को शेख की सोबत दे दें, नूर अला नूर जिक्र हो, ये सब हशाश बिशाश कर रहे हैं आप, ये नहीं होता नहीं बस गए जी मर गए ऐसे नहीं, खुश होकर कर रहे हैं हर काम, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझसे ये भी करा दिया, अल्लाह ने मुझे ये भी करा दिया, अल्लाह ने मुझे ये भी करा दिया, ख्याल भी नहीं आएगा आपको दुकानों शुकानों में, होश उस वक्त आएगी जब आप इशराक पढ़ के बाहर निकलेंगे नाश्ता खाएंगे, वो यार दुकान पर भी जाने चलो यार चल दें, वहां आपका दिल टूटेगा यहां दिल खुश होगा, ये आज कभी भी 11 बजे से पहले दुकान पे गया नहीं सारी जिंदगी क्रिसमस हो कुछ हो, मैं कहा छोड़ो जी क्या चलता है, कभी जाके मैंने दुकान खोला 100% था, अल्लाह खुद इंतजाम कर देता, मैं कभी नहीं गया, मैं आके मेरे मामला पहले क्रिसमस बाद में जितना वो तकदीर में आ जाएगी सर, मैंने सुबह चलो जी होगी तहज जो दो रख दो उसमें तकसीम करते हैं रात को उनके लिए कौन सा अफजल है, तीसरा पहला अफजल है सेकंड वन, ये हाई क्लास तहज इसमें पढ़नी है, आगे समझिए बात। अब तहज्जुद का जो वक्त शुरू होता है एक्चुअली ईशा के फौरन बाद शुरू हो जाता है, ईशा की नमाज कौन सी है ये भी बता दूं आप, जैसे ही फर्ज पढ़ते हैं आप ईशा की नमाज खत्म और तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है फर्ज के बाद, ये उलमा ने बताया बात मुझे नहीं पता मुफ्तियां सुनो, जैसे ही तहज्जुद के फर्ज आपने पढ़ लिए क्या हो गया ईशा खत्म, सॉरी इसकी ईशा के फर्ज पढ़ लिए ईशा के टाइम, फिर तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाता है, तो अल्लाह के नबी ने इस हदीस में फरमाया है कि हर मोमिन को चाहिए कि रात को जागे, रात की नमाज को ना छोड़े, और फिर एक फिक्र कह दिया आपने सुभान अल्लाह हमने काम बना दिया हमारे रानी के हदीस, फरमाया कि नमाज ईशा के बाद जितनी भी आप नमाज पढ़ेंगे वो सारी की सारी जो है वो तहज्जुद में शुमार की जाएगी, यानी इससे बरानी के तो क्या मतलब हुआ कि स्टार्ट जिसने होना है तहज्जुद के लिए कि महरूम ना हो आखिरत में तहज्जुद गुजार हो, बाकी चीज़ों में आपका जहर नहीं मिलेंगे उसको, तो तीसरे पहले में नहीं सारी चीज़ें, लेकिन तहज्जुद गुजार हो जाएगा बंदा कब कि जैसे ही ईशा की नमाज से फारिग हो वितर से पहले कुछ नफिल अदा कर, इसका भी आसान तरीका बताता हूँ कि जो उसके बाद जो वितर से पहले हम जो नफिल पढ़ते हैं उसी में नियत कर रहे हैं आप तहज्जुद की, इससे सस्ती चीज़ और क्या मिलेगी आपको यार, अब कोई आदमी महरूम रह सकता है तहज्जुद से, मुझे बताएं ईशा के बाद जो हम पढ़ते हैं नफिल दो नफिल पढ़ते हैं ना, तो उन नफिल की नियत करने के अल्लाह ताला ये किससे पढ़ रहा हूँ, ये तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ मैं फितर से पहले, वो तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा आपको पूरा, अब उसमें आप 8 पढ़ लें 10 पढ़ लें 12 पढ़ लें 2 पढ़ लें वो सारा तहज्जुद में शुमार होगा, आपको ये हदीस साबित करती है, हो गए तहज्जुद गुजार, आज के बाद किसी की तहज्जुद खत्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। लेकिन हम क्या करते हैं, अब आप तो बड़े बुलंद आदमी हैं, हम कहें ले तहज्जुद इधर ही शुरू कर दो, यहीं काम बनता है तो रात को उठने के उठे हम, नहीं
ये पढ़नी तो सिर्फ हमने इसलिए एहतियातन एहतियातन नियत कर ली, लेकिन हमारा जो मोटो है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा मकसूद है, वो क्या है कि हमने उठना तीसरे पहर ही है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। काम मौला वहीं बनेगा जब ऐलान हो रहा होगा अल्लाह की तरफ से, हमने मकसूद भी करानी है, रिजक भी लेना है, अपनी परेशानियों को दूर करना है। हमारी ये मंजिल नहीं है तो एहतियातन पढ़ना है, इन केस कभी ठुड्डा लग जाए शैतान का, नफ्स गाली हो जाए तो कहते हैं कि ये नहीं कि ये हमने मामूली बना लिया इस चीज़ का, पढ़ते हैं ये नमाज तो पढ़ने का इशादे बाद है नहीं चलना, सुने हो कम नहीं चलना, कम चलना है। और तीसरे पैक कैसे उठेंगे ये फिर आंदा की बातें आपको बताऊंगा। मेरे भाइयों नमाज ना छोड़े, और जो मैं बात आपसे इसको कर रहा हूँ कि रबी अव्वल है अलहमदिल्ला, जिसने रबी अल्लाह में नहीं भाई सुनत को कबूल कर लिया, मैं समझता हूँ इसलिए से कि ये रबी अव्वल है, मैं नहीं इस सुनत कबूल करता हूँ कि आज से तहज्जुद शुरू करता हूँ, मैं तहज्जुद नहीं छोड़ूंगा, तो इंशाल्लाह ये रबी अव्वल आपकी गवाही देगा कि अल्लाह ताला इसको बख्श दे, ये इसने मुझसे वादा किया था मैं सुनत अदा करूँगा नबी पाक से, ग्रेट सुनत है नबी पाक से, तहज्जुद गुजारता था तफा जनूब मुदाजिला करता है कि वो तो वो लोग हैं जिनके पहलू लगते ही नहीं आसमान इस पर बिस्तरों पर लगते ही नहीं, सहाबा की तारीफ फरमा रहे हैं कि तो वो सारी रात इबादत करते हैं, जिस शक्लों पे जो है नूर बसा होता है, जिसम कांप रहे होते हैं इबादत के साथ रात, तो क्या हम उनसे ज्यादा काम करते हैं दिन के वक्त, क्या हम उनसे ज्यादा कमाई करते हैं? वो तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह से लोग थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, ना गाड़ियाँ थी, ना कुछ था, ना लेना था, ऊँट थे, ऊँटों पर उनकी ज़िंदगी होती थी, उनको चलाते थे, उनसे ज़िंदगी गुजारते थे, उनका खाना पीना, कितनी मेहनत होगी, लेकिन कभी भी उन इबादत को तर्क नहीं किया जो अल्लाह ने कर फरमाया इंसान के। भाई क्यों कर लेते थे वो, क्या वजह थी, वजह कि वो गुनाहों का नहीं उनका तसव्वुर था, इस्तग़फ़ार उनकी ज़िंदगी थी, इस्तग़फ़ार उनकी ज़िंदगी थी, गुनाहों का तसव्वुर नहीं था, कोई इबादत उन पर मुश्किल नहीं थी और कोई बात उन पर मुश्किल नजर आती नहीं थी। अल्लाह ताला हम सब तौफीक दे कि हम इस नमाज को कभी ना छोड़ें और इस वक्त ज़ाय ना करें ज़िंदगी का, इससे बड़ा कोई अमल नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको अल्लाह के करीब करने वाला कोई अमल नहीं इससे बड़ा। दिन में जितने हम अमल करते हैं, रात की तहज्जुद की नमाज, मिसाल देता हूँ, अभी बात ख़त्म करते हो, तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह का इंतकाल हुआ, तो किसी ने उनसे पूछा, हजरत पूछते भी तो शर्म आती है, क्या मुजाहदात, क्या इबादत, क्या रंग, आप जुनैद बगदादी और सैयद तहफा हैं, जिनकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, छोटे मौली आदमी नहीं है, सैयद तहफा हैं, सबसे सरदार हैं मौली अल्लाह के अंदर। उनसे पूछा काम आप कैसे बना, सुभान अल्लाह, होगा कि बहुत महबूब उनका मुरीद, उसको ख्वाब में आ गया, या ये बात जाहिर करनी थी अल्लाह ताला ने, किस चीज़ से बना आपका, जिक्र से, कुरान की तलावत से, नमाजों से, हजों से, ज़कातों से, क्या चीज़ थी जिसने आपको मुकाम दिया, आप बख्शे गए और निकल गया। तो मैं बात दोस्त ये है, सर जितने भी जो मैं आप अपने साथ लेके जा रहा था ना, अल्लाह ने सबको एक साइड पर रख दिया, रद्द नहीं किया, साइड पर रख दिया, है ना नेत, तुम तो आ गए मेरे पास, अगर तुम जाना चाहते हो तो सिर्फ मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि सिर्फ अपनी तहज्जुद की दो रकातें मुझे अता फरमा दे, हाय कि उन दो रकातों ने मुझे बख्शवा दी अल्लाह ताला से और वो मेरे काम आए, यह है रात की इबादत दोस्त। तो आज अगर हम शुरू कर देते हैं इबादत टूटी फूटी, तो फिर फायदा क्या है कि सिर्फ हमारी बख्शिश नहीं होगी, हमने आगे कुछ चीज़ें भेज चुके हैं, हमारा बाप भी चला गया है, हमारा बाप भी चला गया है, हमारे चाची भी चले गए हैं, हमारे भाई भी चले गए हैं, ना जाने किस किस के प्यारे आगे जा चुके हैं और जाने वाले हैं, तो जब आप तहज्जुद गुजार होंगे तो आपकी माँ भी जन्नती हो जाएगी, वो भी कब्र में आपको दुआएं देंगी, पुत्र तू तहज्जुद पढ़ना है, मेरा कब्र भी बन गया तेरे नाम, पंजाबी समझते हैं कि तू जो तहज्जुद पढ़ रहा है तेरे तहज्जुद में मेरा काम बना दे, वो कहेगा अम्मी नहीं 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 मैंने कुछ नहीं पढ़ाई थी, मेरे शेख का कमाल इसमें तहज्जुद गुजार बना दिया, मुझे क्या पता था तहज्जुद क्या है, हल जजाल एहसान इल्ला एहसान, अल्लाह कहता है एहसान का बदला हमेशा एहसान से दो, कभी ना भूलो उन लोगों को जिन्होंने हम पे एहसान किया, हमें अल्लाह का नाम सिखाया है, हमें नमाजें बताई हैं, हमें तरीके बताए हैं,
हमें जिंदगी के शूट दी है, दुनिया के नहीं आखिरत के, हमारे लिए मंजिलें आसान फरमा दी, हमें नहीं हमारी पुश्तों को बख्शा दिया, हमारे माँ बापों को बख्शा दिया। मेरे वाले से इंतकाल हुआ, अल्लाह के हवाले हो गए, मैं अपनी बात करता हूं, बड़ा सख्त परेशान, बहुत सख्त की पर क्या मामला होगा मेरे बाप के साथ, जा रहा हूं कब्र में बैठ रहा हूं, सोच रहा हूं, दुआएं कर रहा हूं, और कब्र इत्तेफाक से मेरे वालिद को वो मिली, बिल्कुल 50 साल के बाद इंतकाल हुआ मेरी वालदा के इंतकाल के बाद, मेरे वालिद का 50 साल के बाद जब जगह ढूंढी गई तो उनको जगह वहां मिली कराची के अंदर कि जहां मेरी वालदा की कब्र थी, अंदाजा लगाया पूरे कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली थी, जगह मिली तो उस जगह जहां 50 साल पहले मैंने अपनी वालदा को दफन किया था उसके साथ में। अब दोनों की कब्रें जुड़ गई, वाले साहब का इंतकाल हो गया, हालात बड़े खराब, परेशानी है, बुरे हाल, या अल्लाह क्या हाल होगा वाले साहब, किस हाल में होंगे, दुआएं सब कुछ जैसे हर आदमी को होता है, माँ मर जाए, बाप मर जाए, मोहब्बत होती है, परेशान होते हैं। हजरत तशरीफ ले आए डेरा गाजी खान से, बोले सुभान अल्लाह, ये होते हैं दोस्त, तशरीफ ले आए, मैं तो नहीं था, मेरा छोटा भाई था, कहते हैं आपके वाले साहब की कब्र कहाँ है, सुभान अल्लाह, बहुत दूर है यहाँ से, 5-6 मील है, सब गर्मी, कहता मैं जाना चाहता हूँ, वो तो बड़ा हैरान हो, तशरीफ ले जाए जरूर खड़े हुए, मुझे ले जाए वहाँ ले गए, अब मेरे वालिद के साथ मेरी वालदा के काम बन गया, कमरे दोनों के साथ थी, वहाँ गए कह दिए थोड़ा यहाँ से साफ कर दे, उसने साफ किया, चटाई से रख दी, मराकब हो गए कब्र पर, आपको कश्फ कबूर भी था, हमारे साथ कश्फ कबूर भी था, यानी कब्र के हालात मालूम होते थे उनको, ये छोटे दर्जे के बुजुर्ग थे नहीं, मराकब हो गए, कहते आधे घंटे तक उस कब्र पे हफ्ते साहब मराकब रहे, उठने के बाद उठे और इस हाथ फिरा चेहरे पे, तो कहने के फारूकी साहब ने छोटे भाई कहा कि मुबारक हो आपके माँ बाप की बख्शिश हो गई है। तो भाइयों अल्लाह वालों के एहसान बड़े हैं, हल जजाउल एहसान, वो सिर्फ आप ही को नहीं बख्शाते, पुश्तों को बख्शा देते हैं, दुआएं तो जहात उनकी बड़ी जबरदस्त होती है, अल्लाह वालों की क्या शान है बताऊं, तो दुआ करें अल्लाह पाक उनकी अल्लाह वाले से मिलाए, उसकी सोबत मिले, उससे जिक्र सीखें, तहजुद पढ़ना आए, इशराक पढ़ने का शौक हो, अल्लाह के जिक्र में बैठें, इंसान बन जाए, तो आप ही नहीं बनेंगे, पिछले भी आप जो जा चुके हैं उनकी भी जिंदगी बनना शुरू हो जाएगी। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعمه كثيره طيبه المباركه سبحان الله صل على محمد النبي الازواجي ومحمد زوجاتي لا اله الا انت سبحانك ثم نسوت لا اله الا انت سبحانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حظنا وجدنا وقدرنا وذلنا كل سبب اللهم اغفر لنا ما قدرت وما أخرت وما أسرت وأعلنت وما أسرت وأنت أعلم أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا نافع البليات سؤالنا يا شافي الأولاد اشف مناسكنا يا شافي الأولاد اشف مناسكنا يا شافي الأولاد اشف یا اللہ جن خواتین اور مردوں نے اپنی بیماریوں کی دعاؤں کے لیے کہا ہے اپنے چوک بچوں کے لیے اپنے لیے میرے مولا ان سب کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما ان کی بیماری میں دور فرما ایک خاتون نے جو اپنی سیریس بیماری ہے اس کے لیے آپ تو اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس بیماری سے نجات عطا فرمائے اس کا آپریشن آسان فرمائے اور اس کا فیصلہ درست فرمائے اور جتنے بیماری میں تنگ کو شفا کا میں آجن سے فرمائے جو ہسپتالوں میں تنگ کو شفا سے فرمائے
जो घरों में बीमार हैं माता पिता कुछ बनो सब से, जिनके बच्चे बीमार हैं उनको भी सेहत फरमाए, जिनके वालदैन बीमार हैं माता उनको भी शिफा नसीब फरमाए। या अल्लाह तो सारे मुल्क पर रहम फरमा, या अल्लाह खुसूसन पाकिस्तान पर रहम फरमा, या अल्लाह हमारे जवानों से मुसीबतों से परेशानियों के शराब की मुसीबत नागहानी मुसीबतों से मेरे मौला तो अपना फतह रहम फरमा मेरे मौला, तमाम आलम सलाम पर तो रहम फरमा मेरे मौला, तमाम मोमिन तमाम की बख्शिश फरमा, या रहम तुम्हारे आज की इस मजलिस को कबूल फरमा, हम सब की बख्शिश फरमा। या अल्लाह हम सब को नेक कर दे, या अल्लाह हम सब को सलाह कर दे, या अल्लाह हम सब की बातनी सलाह फरमा, या अल्लाह हमें जिक्र शिक्र की तौफीक नसीब फरमा, या अल्लाह हमारे रास्ते हम पहचान फरमा, या अल्लाह जिन रास्तों को हमने अख्तियार किया है तेरी मोहब्बत तेरे कुर्ब तेरे इरफान के रास्ते मेरे मौला, ये रास्ते हम पर सहल फरमा दे, आसान फरमा दे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रत अयुन वज़अलना लिल मुत्तकीन इमामा, اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا.